हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सुकन्या शुभम नमोरिया के ब्लॉग में आपको स्वागत है, आपका स्वागत है सबको, राधे राधे। तो मेरे यहाँ की वो क्या बोलते हैं, बोरिंग मोटर ख़राब हो गई है। दो तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है और कपड़े हो गए हैं बहुत सारे। तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना ली, तो मैं धोऊँगी कपड़े, पानी ला के धोऊँगी कपड़े। तो मैं कैसे लाऊँगी पानी आपको बताऊँगी। अभी तो फिलहाल घर का हाल दिखाती हूँ। तो घर का हाल हो रहा था ये, और कपड़े बहुत सारे पड़े थे। आरू को भेज दिया था सोबी के साथ, ये मैंने जब तक आरू आएगी जब तक मैं ये कर लूँ। गेस्ट इन कर दिया था पूरा क्लीन मैंने, खाना भी मेरा बन चुका था, बर्तन भी साफ हो गए थे, ये भी सब कुछ साफ सुफ कर दिया था मैंने। सिर्फ ये नीचे का फ्लोर झाड़ू पोछा और कपड़े सब, ये सब रह गया था। किचन के खाने से फ्री हो जाओ तो लगता है यहाँ थोड़ा सा काम तो निपटा, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा। पहले मैं कपड़ों को इकट्ठा करूँगी जो इधर उधर पड़े हुए हैं, सबको इकट्ठा कर लूँगी, फिर मशीन लगाऊंगी। ये डब्बा, ये आलू के काम है, ये प्याज लहसुन डब्बे अब्बे सब आलू निकालती है। ये देखो मैंने कर लिए कपड़े इकट्ठे, अभी तो और भी बाकी हैं, निकलते जाएंगे कपड़े। देखो पहले ये रही मशीन, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि धोऊंगी कैसे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है अभी। तो मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है अपना, और आरू को सुला दिया था। आरू आ गई थी तो आरू को भी सुला दिया था। ये आ गए सो भी। अब मैं जाऊंगी एक कैन लेके पानी लेने नीचे, क्योंकि पानी आ ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो जहाँ पे घर है हमारा वहाँ पे पानी आ रहा है, तो वहाँ से पानी लेके आऊँगी। तो ये पानी मैं लेके भी आ गई हूँ, अब जाऊँगी ऊपर ये चढ़ान चढ़ के कैन ले के। मैं जब ये पानी लेके आई तो सोभी बोलते कि रुक जा तू, मत जा अब लेने, मैं लेके आता हूँ। तो ये जो ब्लू वाले दो ड्रम दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये भर के ये ले आए थे दो। अब इनसे मेरे कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि बहुत सारा पानी है इनमें। वो मैं मशीन में वो कपड़े डालूँगी जिनका कलर नहीं निकलता है, ये धुल जाएंगे। तो फिर जो कलर वाले कपड़े हैं छोटे छोटे कपड़े, वो डालूँगी। ये आरू भी साथ में उठ गई है, ये उठ जाती है तो फिर थोड़ा काम नहीं कर पाती क्योंकि ये आगे पीछे फिरती है। ये केनों के पास ही डोलने लग गई थी कि ये रही आरू। ये इनमें पता नहीं, ये केन में सोभी की चाबी डाल दी थी इसमें, इसको बार बार अंदर करना पड़ रहा था। तो इसको गेट लगा के रखना पड़ता है क्योंकि घर पे कोई नहीं रहता है, मैं और आरू दोनों ही बसते हैं। तो काम करना और इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो टाइम ये हो चुका है, और जब तक कपड़े धुल रहे हैं मैं इसको कुछ खिलाऊंगी। ये मैंने कपड़े निकाल दिए, और बाल्टियाँ जो थी मैंने इसलिए कुर्सी पर इसलिए रखी हैं क्योंकि सारी बाल्टियाँ नीचे चली गई थी, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था तो सब लोग नीचे नहा रहे थे। सिर्फ छोटी बाल्टी है ब्लू वाली इधर ही थी, तो मेरे को इस पे कपड़े रखने पड़ रहे थे, और मैं नीचे जा नहीं सकती थी क्योंकि बाल्टियाँ लाती बड़ी बड़ी, आरू को लेके कैसे जाते अकेली। तो मैंने सोचा कि ये मशीन जब पूरे कपड़े धुल जाएंगे तो मशीन में पानी भरूंगी और फिर इसी में कपड़े खंगालूंगी। तो मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, मशीन में भर लिया है पानी, और ये छोटी वाली बाल्टी में भर लिया है। मैं इसमें खंगालूंगी और ड्रायर में डालती जाऊँगी। ये आरू बार बार फिसल के गिर रही थी और पूरी गीली हो चुकी है ये पानी में, वो इसका इतना डर लगता है। थोड़े से मैं बीमार पड़ती हूँ, ये गीली हो रही है पानी में। अगर इसको अंदर भी कर रही हूँ तो रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और कपड़े भी बहुत सारे थे तो टाइम भी हो गया था, तो रख भी नहीं सकती थी कपड़े।
टाइम हो गया है ये मेरे को कपड़े धोते धोते, यारू भी परेशान कर रही हो, ये पानी है जो इस पे बार बार फिसल रही है, ये जब तक ड्रायर में कपड़े होंगे तो मैं ये पानी हटा दूंगी क्योंकि ये बार बार फिसल रही है पानी पे, सीढ़ियों को भी चढ़ रही है बार बार, तो मैं ये पानी हटाऊंगी। ये जो कपड़े थे वाइट वाले वो मैं सुखा के आ गई थी, ये जो टंकी का ढक्कन ये खुला रहता है, मतलब इतना डर लगता है इसका कि ये बार बार वहीं पर जाती है उस टंकी के पास। ये रही पानी ख़राब कर रही है, और मैं यहाँ पे करूँगी ये पानी हटाऊँगी, पहले यहाँ पे साफ़ कर दूँगी जब तक ये कपड़े हो रहे हैं थोड़े से। ये सीढ़ियों के ऊपर पता नहीं क्या मिल रहा है, ये बार बार सीढ़ियाँ ही चढ़ रही थी, ये फिसल गई फिर से, इतने बार फिसल रही थी लेकिन ये रो नहीं रही थी क्योंकि इसको पानी था बहुत सारा खेलने के लिए, तो ये बार बार जा रही थी ऊपर। आज कपड़े इसलिए धोना ज़रूरी हो गया था क्योंकि बारिश होती है तो मौसम ठंडा रहता है, आज धूप निकली थी तो मैंने सोचा धो लेने दो कपड़े। ये भी ऑफिस गए थे, इनको भी ये भी फ्री नहीं थे, इनने भी मना किया था मत धो, जब ये मोटर सर सही हो जाएगी तो धो लेना, मैंने कहा धूप नहीं निकलेगी और मेरे को घर भी जाना था अपने, तो मैंने कहा धो के डाल दूँ फिर। मैंने कर दिया यहाँ पे पूरा साफ़, और मशीन भी खिसका दी है, मशीन को ढक भी दिया है, पूरा साफ़ कर दिया। अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं छत पे कपड़े कैसे डालने जाऊँगी, तो मैं इसी को लेके जाऊँगी, मेरी हालत तो हो चुकी है ये। और ये रही मेरी गुड़िया, ये रहे बाल्टी में कपड़े भर लिए हैं मैंने, अब मैं इसको भी साथ में लेके जाऊँगी क्योंकि ये इसको छोड़ के भी जाऊँगी। ये देखो पूरा टी शर्ट इसका ऊपर से गीला हो रहा है, इसको भी छत पे लेके जाऊँगी, कपड़े डालने जाऊंगी ऊपर। तो ये आ गई हूँ मैं छत पे, और ये देखो बच्चों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उनके। ये रहे बायर, में ये बायर बिल्कुल सीढ़ियों के पास में ही है, मतलब इतना डर लगता है जब मैं ऊपर आती हूँ, और मेरे को ये लग रहा था कि ये वहाँ नहीं चली जाए, तो मैं इसको बार बार देख के कपड़े डाल रही थी। तो मैं सुखाऊंगी कपड़े, और इसको भी ये सुखा दिए मैंने कपड़े अपने, यहाँ पे डाल दिए सारे कपड़े, अब मैं इसको लेके जाऊंगी। थोड़े से छोटे छोटे कपड़े हैं, ये मैंने यहाँ पे डाल दिए थे कपड़े आरू के भी, और आरू के कुछ कपड़े मतलब इन कपड़ों में भी थे, आरू के कपड़े हम लोग बाहर नहीं डालते हैं, तो ये कपड़े लेके हम नीचे जाएंगे।
इसको मैं बाल्टी में बिठाऊंगी और फिर लेके जाऊंगी। अब ये इसको बाल्टी में बिठा के लाई ना, छत से तो उतरने के लिए तैयार नहीं है, बोल रही है मेरे को फिर से छत पे लेके चलो। यहाँ पे तो सब साफ कर दिया है मैंने, लेकिन ये घर में आरू ने फिर से फैला दिया था मेरे झाड़ू पोंछे पे, तो इसको भी साफ करूँगी मैं। पूरा गंदा घर कर दिया है वापस से इसने, और बीच में आए थे सो भी, ये देखो बीच में आए थे सो भी, तो खाना खा के गए थे तो बर्तन भी पड़े थे मेरे, वापस से बर्तन हो गए, तो इसको भी। और ये हो गई थी यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ, मैंने साफ भी करा था, लेकिन इनने सेव डाला सब, ये खाने के साथ सेव खाते तो ये खुला डाल के चले गए थे मेरे साफ करे पे, तो यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हो गई थी। तो मतलब मेरे को ये काम करके डबल से साफ सफाई का पूरा गेस्ट हाउस साफ करना पड़ेगा और झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा। ये रो रही है दूध के लिए कि मेरे को वो पीना है। अब ये भूखी हो गई है, इसको कपड़े चेंज करूँगी, नहला हला के फिर इसको सुलाऊंगी दूध पिला के, जब मैं कुछ कर पाऊँगी। अब ये देखो पेपर वेपर सब कुछ इसने फैला के रखे हैं। अब इसको मैंने देखो सुला भी दिया है, कपड़े भी चेंज कर दिए, अच्छे से मालिश वालिश करके सुला दिया है। अब मैं करूँगी ये सारा काम यहाँ का। तो मैंने झाड़ू पोछा डबल से कर दिया है पूरा अपना, ये देखो बर्तन भी साफ कर दिए सारी, ये भी सब पूरा साफ कर दिया। अब मैं जाऊँगी मंगा ली और मंगा के जाऊँगी दीदी के यहाँ, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो उनको देखने जाऊँगी, ये वाली साड़ी पहन कर जाऊँगी। तो दीदी के यहाँ से हम लोग निकल के आ गए थे मनीषा दीदी के यहाँ, इनको भी फीवर हो रहा था और लड्डू को भी नहीं देखा था, तो इनसे मिलने आ गए। और ये यहाँ पे लड्डू की हरकतें बता रही थी, आरू को बहुत मज़े आ रहे थे, आरू को सारी बुआ के यहाँ बहुत मज़े आते हैं, तो ये लड्डू के खिलौनों से बॉटल से खेल रही थी। वो इतनी प्यारी लग रही थी दीदी, क्या बताऊं, बहुत मन हो रहा था खिलाने का लेकिन आई नहीं। इसको अपन ऐसा करो ना, तो बहुत हंसती है, तो पूरे एक दांत दिखाई। कल तो पता है इसने क्या करा, कल उठ के आई 10 बजे इसको बुआ के घर पे इतना अच्छा लग रहा है, कितनी मस्ती कर रही है। क्या चाहिए कितने सारे खिलौने रखे, अरे जगह जगह खिलौने रखे, किसके हैं खिलौने इतने सारे, टक्की के हैं, टक्की के, उठ टक्की तो सो गई। चलो चले बच्चा, हमें सोच रहे हैं सुई पकड़ो तो यार, अब तो उठ ही गई। तो हम जा रहे हैं बड़ी सुधीर के यहाँ से घर पे, उनके घर पे जाके खाना भी बनाना है मेरे को,
बज चुकी है, 6:30 बज चुकी है। टाइम क्या हो गया? जाके खाना बनाऊंगी मैं घर पे जाके। अभी टाइम क्या हुआ? टाइम हो गया ये और मैं आ गई हूँ घर। अब मैं बनाऊंगी खाना। कपड़े जो धोए थे वो छत पे ही पड़े हैं, अभी मम्मी आएंगी जब जाऊंगी खाने में। मैंने कर दी है कपड़े चेंज और मेरी दाल भी चढ़ गई है, उसमें बहुत सारी सीटियाँ लगती हैं तो मैंने चढ़ा के रख दी। अब मैं लहसुन छीलूंगी। तो मैं ये छील रही थी लहसुन, और आरू को लहसुन जैसे ही देखती है पूरा फैलाती है। और वैसे भी मैंने छील के सारे गोदी में भर रखे थे, वो मैडम गोदी में बैठ गई हैं। ये पूरी गोदी भरी है लहसुन के छिलकों से, इनको लहसुन छिलवाना होता है। जो भी काम करो साथ में करवाना। इसके ये कपड़े इसलिए गंदे हो रहे हैं क्योंकि मीशु दीदी ने इसको आइसक्रीम खिला दी थी, उसके कपड़ों में आइसक्रीम लग गई थी। अब घर पर कोई भी नहीं है, मैं अभी अकेली हूँ, तो मेरे को मतलब काम करने में भी मम्मा, और इसने वापस से पूरा फैला दिया है। मैं आटा भी नहीं लगा मम्मा को। आटा गूंथ लें दे बेटा, बेटू मम्मा को आटा गूंथ लें। तू क्या चाहिए, क्या चाहिए? लो मम्मा ये दे रही, मम्मा ये दे रही, रुको रुको मम्मा ये देगी आरू को। ये बज चुकी है 8 और मैं 6 छत पे जो कपड़े पड़े थे ये लेके आ गई थी, इस पे रख दिए थे सारे क्योंकि मेरे को खाना बनाना था। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था और दाल जब आई थी तब दाल में सीटी लगाने के लिए दाल तो रखी दी थी, तो दाल भी हो गई है मेरी। और मैंने मसाला भी तैयार कर लिया था दाल फ्राई करने के लिए। तो मैं ये करूँगी, सबसे पहले दाल फ्राई करूँगी फिर उसके बाद रोटी डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर दाल अपनी दाल भी फ्राई कर ली थी और रोटियाँ भी बना ली थी। मेरी दाल भी बन चुकी है, रोटियाँ भी बन चुकी है। अब मैं थोड़े से चढ़ाऊँगी चावल क्योंकि इस दाल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं थोड़े से चढ़ाऊँगी चावल और आलू को, उसको भूख लग गया थी सो उसको आलू का पराठा बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ साफ़ भी कर दिया था, चावल भी बन गए थे और मेरे बर्तन भी सारे साफ़ हो गए थे, और आलू को आलू का पराठा ही बनाया था। अब मैं इसको पहले तो रखूँगी ये कपड़े, क्योंकि टाइम भी हो गया है बहुत। कपड़े जमाऊँगी फिर इसको आलू का पराठा खिलाऊँगी। तो अब खिलाती हूँ मैं इसको पराठा, कपड़े मेरे जम चुके हैं। हम लोगों ने सबने खा लिया है खाना। अब ये खाने के जो बर्तन हैं इन बर्तनों को भी साफ़ करूँगी मैं। बर्तन साफ़ करने के बाद झाड़ू लगा के बर्तन करने के बाद मैं झाड़ू लगा के बिस्तर डालूँगी। और आरू बहुत ज़्यादा बर्तन अभी गई थी तो उसके हाथ पैर बहुत दुख रहे थे, तो लोट पोट लगा रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसकी करूँगी मालिश और फिर सोऊँगी। तो मेरे ब्लॉग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा।